आपको आज मैं एक चैलेंज दे रही हूँ, एक्सेप्ट करोगे? क्यों नहीं करोगे? ये ले मेरे हाथ में दो लेस के पैकेट, इनके साथ कुछ बना के दिखा दो तो मान जाओगे। ये तो स्वाद के सिकंदर की पहचान है। और ये दीदी लाई है लेस। जी हाँ, ये मेरी बिटिया को बड़ा प्यारा है और मैं अक्सर बड़ी प्यारी प्यारी चीजें बनाता हूँ, तो आज आपको खिलाऊंगा स्पेशल। जी हाँ, बच्चों के लेस वाला ऑमलेट। अंडे आते हैं उनसे अलग हट के, क्यों? क्योंकि इसके अंदर होते हैं एक अंडों में दो अंडे हैं, और ये दो अंडे होते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी आप गौर कीजिएगा, क्योंकि अंडे बड़े खास हम छाटते हैं। और ये भरपूर प्याज, ये मुट्ठी भर के पूरी डालूंगा। मियाँ तो मेरे बाबूजी का स्वाद, जी हाँ मैं उस स्वाद को जरूर डालता हूँ। एक अंडा रैश और इस जायके के अंदर देना, क्वार्टर मक्खन में डाल चुका हूँ, जरा कैसे वो जायका तैयार होगा, आइएगा चलते हैं। आज का सिकंदर बचपन से अपने पापा के साथ ये ऑमलेट के जायके बनाता हुआ चल रहा है, और कैसे आएगा मजा, आइएगा चलते हैं उस ऑमलेट की ओर। देखिए यही लगाता है, आप भी गौर कीजिएगा। अंडों की अलग वैरायटी खानी है, अंडों के अलग अलग जायके खाने हैं। देखिएगा ये अंडे सारी चिप्स लग चुके हैं, क्योंकि अंडों के अंदर अगर अलग अलग वैरायटी बनाना और खिलाना ये मेरा शौक बन चुका है। और टमाटर, धनिया, ये बाबूजी के मसाले की चुटकी, जी हाँ वो स्वाद आपके लिए। पलटा लगाते हैं जो है, और इसको करते हैं मक्खन में फ्राई। ये तंदूरी मेयोनीज, आप सोच रहे थे नहीं लगेगा, मैं कह रहा हूँ अच्छी तरह लगाएंगे, ये मेरी आदत है और मैं अच्छी तरह उस चीज़ को बनाने का शौक रखता हूँ। बाकी बॉयल एग्स डाल रहा हूँ, फिर टमाटर, धनिया, देखते हैं वो कितना लेस सिक चुका है, देखिएगा कितना सिक चुका है, मैं वो भी दिखा दूँ। और एक एक दाना बड़ा अच्छी तरीके से फ्राई होकर लग चुका है। इसी स्वाद को खिलाना और बड़े पास मिलते हैं, और ऐसे में गिना जाता है जी हाँ लेस वाला ऑमलेट। अंडा खाने के लवर हैं तो शौक फरमाइएगा, स्पेशल लेस वाला ऑमलेट। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ऑमलेट है, क्रंची प्लस जो ऑमलेट का टेस्ट होता है ना वो बहुत ही लाजवाब आ रहा है। तो मैं तो इस ऑमलेट को देना चाहूँगी 10 में से 10।